मंचिंग करेंगे। ये भी अच्छी है, वाह, घूमने के हिसाब से है ना। क्या हुआ सोना? बेबी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ व्लॉगिंग, दिस इज सिंगर मदर। हाउ आर यू ऑल? आज यहाँ मैं, श्रेय, हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट। पीछे से मम्मी पापा आएंगे बाद में, उससे पहले हम कुछ मंचिंग करेंगे और फिर डीमार्ट में आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग की। ऐसे मतलब कहते हैं ना, वो जस्ट ऐसे ही जाते हैं, मतलब कुछ लेने का होता नहीं है, बट एक होता है ना कि बस घूम लो कैसे भी। ये वो वाला टूर है, ये वो वाला घूमना है। देखो ये कितना बड़ा हो गया, छोटा सा प्लांट लगाया था और अभी इतना बड़ा पेड़ हो गया। उस पर देखो आप फ्लावर आते हैं रेड कलर वाले, रेड कलर के। और ये बैक साइड भी बहुत प्यारा हो गया, आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट टाइम आपको होम टूर भी दे देंगे। ओके, ये आ गई श्रेय और आद्या। हम जा रहे हैं बाइक पे, बाइक जो आजकल श्रेय बहुत अच्छी चलाते हैं। ये चाचा की बाइक जो अब श्रेय चलाता है, ट्यूशन वगैरह स्कूल वगैरह जाने के लिए। आ जा तो अब आ गए हैं हम डी मार्ट और यहाँ पे वन बाय वन के काफी चीजों पे ऑफर्स थे, काफी अच्छे ऑफर्स थे डी मार्ट पे। शोना, मम्मा उधर चलो, पहले ऊपर जाओगी, ऊपर जाओगी, पहले पहले ऊपर चले, चलो। वाटरमेलन सीड्स, अच्छे ही सीड्स है, सब देखते हैं आके। तो बटन दबाया, ये 1200 का है, आई थिंक इस पे भी डिस्काउंट है। हाय, से हाय। हाय, वोसिक है? नहीं, वोसिक डोंट स्पिट, क्योंकि गुजरात में बहुत गुटखा खाते थूकते हैं, इससे लिफ्ट में भी लिखा डोंट स्पिट। So, ये सारा क्लोथिंग सेक्शन है, कुर्तीज, चौपाल्स, कौन सा? वहाँ से मलाड से। क्या? वहाँ से लाई थी वो ही जो पैंट्स, कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, ये कितने की हैं यार। ये पैंट्स भी अच्छी लग रही है मम्मी, देखो घूमने के हिसाब से है ना, कॉटराइज कंफर्टेबल भी दिख रही है। ये भी अच्छी है, वाव, डीमार्ट इतनी मस्त मस्त पैंट्स, देख लो ना। ये भी अच्छा है, ग्रे, ये वाला लो, ये सब पे चल जाता है, प्लेन्स पे भी चल जाएगा, प्रिंट पे भी चल जाएगा। आपको चाहिए तो वहाँ से ले लेना, आओगी ना आप? हाँ, तो फिर इतना महंगा, मतलब ये अच्छा लगता है, लीवा कंपनी का, इसलिए महंगा है, और कुछ नहीं। ये भी? हाँ, लीवा का है ना, महंगा क्या मतलब, हाँ प्यारा है कपड़ा। सो मुझे कॉटराइज पैंट्स काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने ट्राई कर ली थोड़ी। आप बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। वैसे मैंने ये ग्रीन वाली ली थी, और ये स्कर्ट ना वैसे बहुत प्यारी लग रही थी, पर मुझ पे अच्छी नहीं लग रही। और ये शॉर्ट्स, ओ एम जी, क्या ही बोले, देख ही सकते हो आप।
बस बस चक्कर आते और यहाँ श्रेय कर रहा था मेरे कवर सॉन्ग ऊर्जा काले कावा का शूट जस्ट बिफोर आवर ट्रेन टू मुंबई। चलिए मुंबई चलते हैं। शॉक। बाय मम्मा। और मेरी माँ फिर इमोशनल हो गई। बाय बोल नहीं है। कैसे ही मजाक करके हिमांशु नॉर्मल करने की कोशिश करता है सिचुएशन को। तो रात की 3 बजे की ट्रेन थी, सुबह पहुंचे जा रहे हैं घर की तरफ। आज मौसम उतना अच्छा नहीं है, मतलब गर्मी है और आध्या के दिमाग में भी गर्मी है। आध्या ने इतना आतंक मचा रखा है ना, मतलब मम्मी पापा को वो इतना याद कर रही है, दीदी भाई सब को। बहुत मजा आता है। आध्या का थोड़ा मन बहलाने के लिए हम गए संगीता जी के घर। हर हर महादेव करो अंकल के साथ। जय श्री राम करो बेटा। जय श्री राम। जय जय। करो आद्या डांस, करो डांस, करो जय जय करो। देखो पेशेंस कितना है, देखो वेट कर रही है कि मुझे घंटी मिलेगी। देख रहे हो, होते बच्चे में सबर। वाओ देखो हंसती है। व्हाट करो। गुड गर्ल, गुड गर्ल मेरा बेबी। जय श्री राम। आइस, शो योर आइस। अजय शो योर आइस टू अंकल। पूरा हाथ से जड़ कराई ऑफिस से फिर घुमाई। इसका बोलना तो शुरू होने तो फिर छोड़ेगी नहीं आपको। ये खेल करवाने बस। वापस करना, वापस गिरो आप। ओ करवा लिया। कुछ क्या हुआ सोना? बेबी 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 के पास जाना है। आध्या को सबकी बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ बेटा? हाय बेबी। बेबी सो गया, बेबी निन्नी कर रहा है। दीदी भी सो रही है, दीदी निन्नी कर रही है। अरे रे बेबी। चल पापा को फोन लगाओ। तो बाहर जाने के लिए रो रही थी तो बाहर आके बहुत खुश हुई आध्या। मजा आ रहा है मेरी बेटी को। मम्मी देखो, मम्मी को। अरे 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 आजा 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 आजा। हाय से हाय। से हाय। लोगों को देखने के लिए ही रो रही थी, इसको स्पेशली उतार के लिखा है। इतना रोई है, इतना रोई है। हाँ लोगों को देख के करती है हाय हाय। उनको नाना बोल रही है। वाह क्या है लेने का।
रॉकी डॉग को देख के, उसका नाम रॉकी। चलो बेटा चलो, रॉकी गया। दीदी चलो बेटा चलो, वो देखो आद्या आद्या मिश्रा। ये भैया की गोद में ऐसे आई कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूट वाली लेडीज को देख के मामा। अच्छा अच्छा ओके, कितनी देर रहना अंकल के पास? भैया की फिजिकल इशू के कारण ही मैं आद्या को लेना चाह रही थी। ये दीदी काम के लिए आई थी पर मुझे खास जरूरत नहीं थी, डे केयर में आद्या ऑलरेडी जाती थी इसलिए मुझे इनको हटाना पड़ा। आद्या पूरी तरह नींद में होकर भी नहीं सो रही थी और बहुत तंग किया आज आद्या ने मुझे। जो मदर्स मेरा ये व्लॉग देख रही है आई एम श्योर वो मुझसे कोरिलेट कर पाएंगी। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। जय माता दी, लव यू ऑल।